फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्निग्धा आप सबको स्वागत करता हूँ आपके आपके चैनल स्निग्धा डायरी में। आज की इस वीडियो पर्टिकुलरली हाउसवाइफ के लिए, जो औरतों बोलते हैं हमको बिल्कुल टाइम नहीं है, हम तो बहुत बिजी, हमारे पास तो टाइम नहीं मिला, मैं उनको बताने वाली हूँ। वैसे भी मेरे को बहुत सारे दोस्त है, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स है, वजह से मुझे बताते कि तुम्हारे तो बहुत छोटे बच्चा है, तुम तो हस्बैंड के साथ रहते हो, तुमको घर का भी काम करना पड़ता है, तुम बिजनेस भी मैनेज कर रहे हो, और बींग LIC भी एजेंट भी, वो काम भी कर रहे हो, इतना सारा काम तुम कैसे करते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो, घर के काम करना, खाना पकाना, सब काम, हर काम मैं खुद करती हूँ, ना कि मैंने कोई मेड रखी हूँ, कुछ सब कुछ नहीं, सब काम मैंने करती हूँ। हाँ, ये बात जरूरी है, मेरे हस्बैंड मुझे काम में बहुत हेल्प करते हैं, वो चीज़ ज़रूर है, लेकिन कहीं वो तो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद बहुत काम मुझे करना पड़ता है, बच्चे को देखना पड़ता है, अभी वो छोटा है, उसको पढ़ाना, उसको शुरुआती में वो आप लोगों को तो मालूम होगा, जो मम्मी है उसको दुख, मेरी दुख वो ही समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने टाइम मैनेज करती हूँ। मैं भी कुछ सिंपल टिप्स बताऊंगी, तो इसमें आप आपका टाइम मैनेज करके बहुत कुछ कर सकते हो। पहले एक सवाल मैं आपको पूछूंगी कि आपने कितने घंटे सोशल मीडिया में बताते हो। सोशल मीडिया में बोले तो आप व्हाट्सअप बोल सकते हो, टिकटॉक बोल सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ पे कितने घंटे बिताते हो। अगर देखो टिकटॉक में आप छोटा छोटा वीडियो रहता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, मजा आ रही भाई, देख रहे हो, ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, टाइम ही नहीं मालूम पड़ती, बट आप घंटे चले जाते हो उसमें, आपके टाइम वेस्ट हो रही। ठीक है, आप इंस्टाग्राम में भी टाइम दे रहे हो, फेसबुक पर वीडियो देख के भी टाइम जा रहा है उसमें आप, मैंने नहीं बोल रही हूँ कि आपको नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसका एक तो टाइम लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा वीडियो है हम व्हाट्सअप पे, सॉरी फेसबुक पर देख रहे, नहीं तो टिकटॉक पर देख रहे, टाइम किलिंग से हो, आपका टाइम पूरा उसमें ही चला जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगी। छोटे 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 करके 10 सेकंड का क्लिप देख लिया, 20 सेकंड का क्लिप देख लिया, फिर 10 सेकंड एक के बाद स्क्रॉल करते करते आप देखने चले जाते हो, तो उसमें आपका टाइम कितना किलो हो रहा है। ठीक है, आपको जरूरी है फेसबुक पर रहना, आपको कोई काम करना है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप 4 घंटा 5 घंटा 2 घंटा बस दूसरे के वीडियो देख के ही वेस्ट कर देते हो, ये कोई बात हुई? आप खुद की काम नहीं कर पाते हो, लेकिन आपने दूसरे की वीडियो इतना देखते हो टाइम पास कर करके कोई की किसी को तो कुछ ऐसे लोगों को भी मैं देखी, उनको कुछ काम नहीं, बस फेसबुक पर बैठते ऐसा 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 करता रहेंगे, ऐसा नहीं करना। इसमें आपकी टाइम किलिंग है, उसमें आपकी टाइम जा रही है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, आप 10 दिन के लिए टिकटॉक डिलीट कर दो, 10 दिन के लिए फेसबुक को बंद कर दो, मत खोलो वो, आप जो आपसे आपका टाइम क्यों, आप पहले सोचो आप कहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रही है, आप सोचो। और मैं तो ऐसा नहीं कि मेरे लिए 24 आवर्स 48 आवर्स हो गया, ना जो 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 लेडीज लोग भी अच्छे से आपने टाइम मैनेज, उनके लिए 48 आवर्स हो गया, ऐसा नहीं है, वो कैसे मैनेज कर रहे। आप पहले ये सोचना चाहिए कौन सा ऐप है जहाँ पर आपकी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रही है, वो फेसबुक है, वो व्हाट्सअप है, कोई भी ऐप है, बंद कर दो उसको कुछ दिन के लिए, देखो टाइम ही टाइम आपके लिए मिल जाएगी, नहीं मिले तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ। देखिए, पहले हमारी मम्मी लोग के टाइम भी ना टिकटॉक था, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सअप था, फिर भी वो हम लोग को संभालते थे। अभी मैं मेरी माँ की बात करूँ, हम लोग भाई बहन थी नहीं, हम लोग को संभाल के घर संभाल के घर की काम करके, फिर हमारी उस टाइम में हमारे घर में काम हो रही थी, तो उनके भी काम करके और सब कुछ मेरी माँ कर रही थी, कैसे मैनेज कर रही थी, क्योंकि उनके टाइम में ये टाइम वेस्ट करने वाली आप जो नहीं थी, बस और आस पड़ोस में थोड़ी बहुत बात होगी, काम खत्म, थोड़े बहुत अपनी जो रहती दिल की बात शेयर कर ली, इससे कुछ बात हो गई, वही थोड़ा टाइम मिले तो फिर भी बच्चे लोग को देख रहे थे। लेकिन हम लोग पसंद क्या है, हम लोग छोटे छोटे बच्चे रहते, छोटे बच्चों के भी हम लोग भेज देते नर्सरी, नहीं तो ट्यूशन भेज देते, क्या हम लोग नर्सरी एंड LKG UKG के बच्चों को घर में नहीं पढ़ा सकते? अगर हम वही सोचेंगे नहीं हमसे पढ़ रहा, नहीं सुन रहा, नहीं हमारी बात, टाइम मत्थापच्ची हो गया, कितना पढ़ा है, कितना लेके आए, वो तो अपने मन की कर रहा है। जो जो बच्चा अभी नर्सरी में नहीं सुन रहा, वो बच्चा क्या जब 10th क्लास जाएगा, कॉलेज जाएगा, तभी आपकी बात सुनेगा, तब तो नहीं सुनेगी ना। अब उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अब आप उसको पढ़ा नहीं पा रहे, आगे की क्या सोच रहे, फिर आगे को क्या होगा, वो कभी सोचा आपने? तो आप उसको टाइम दीजिए। और दिन भर कोई कोई लेडीज तो मैंने ऐसा देखी, 4 घंटा 5 घंटा टिकटॉक में स्नैप वीडियो में उतार रहे थे, फिर अरे हमारे बच्चे को स्कूल से आने के टाइम हो गया, उठो जागो, क्यों भाई इतना टाइम आपको क्या मिलती है उससे, आपसे पहले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, उस टाइम में क्यों सोचना बच्चे आ रही, इतना टाइम। और पहले आपको पहले ये सोचना चाहिए कौन से ऐप में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आपको डिलीट मार दो 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, देखो लाइफ कितना क्लियर हो जाएगी, आप कितना खुश हो रहोगे, कितना अच्छा आपको फील होगा जहाँ पे आपके टाइम वेस्ट हो रहे उतना। कभी कभी नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, शायद मैंने बहुत स्ट्रेस लेके बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, मुझे टाइम नहीं हो रही, मैंने मेरे हस्बैंड भी शेयर करती हूँ, शायद मैं टाइम नहीं, ना उन्होंने हमेशा सपोर्ट करते, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो आप ये काम ही कर रहे हो, लेकिन मैं ज़्यादा ओवर बर्डन ओवर स्ट्रेस लेके काम कुछ नहीं करता हूँ, जितना कर सकते उतना करता हूँ, ऐसा नहीं है। आपने कहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, कोई ऐप में जाके बस
टाइम मैनेजमेंट आपकी उधर ही हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मुझे वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड कमेंट करके जरूर बताना आप कौन सी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखना, एंड कोरोना में स्पेशली आप लोग ख्याल रखना, घर से बाहर नहीं जाना, अगर जा रहे हो तो सावधानी अवलंबन करना, आप मास्क पहन के जाना, डिस्टेंस जरूर रखना एक दूसरे के बीच में, अपने ख्याल जरूर रखना, मिलते हैं।